How is it? Wow, so yummy. Really? Hi everyone, welcome back to my channel. Agoku aschi raja raja pai samaste sajabaja. Au poda pitha banewa pai eithi dekhantu mu kon karichi. To poda pitha mu bahut sundar bhabare banei paruchi. Khiro poda pitha jebetu khiro poda pitha 4-5 basala popular helani mu sebetu khiro poda pitha baneba start kachi. Mata au normal poda pitha ete bhal laguni ki mu kebe normal poda pitha banei hi nai. जहाँ घरे गाँव रे एमती खाई तो ये मुझे क्षीर बॉइल करी मुझे ये नहीं गोटे लिटर उपर क्षीर नहींर जो बॉइल हो आसब चीनी देबे चीनी आपन रिक्वायरमेंट हिसाब से ने अढ़े कप चीनी नहीं नड़िया को मुझे खंड खंड करके काटी ग्राइंडिंग करना नड़िया को आप खंड खंड कर कौन करे ना नड़िया को सब फ्रिजर भितर पुरे दिए फ्रिजर रु जब भी यूज करार था 2 घंटा पूर्व बाहर करदे नड़िया एमती खंड खंड हो बाहरी आसे काटिदेवे छुरी रे एठी मो एमती बैटर बनई पूरा राति सारा चाउल को अरुआ चाउल ना पिठा चाउल जहाँ भी मुझे पिठा चाउल प्लस अरुआ चाउल दुटा को मिक्स कर राति सारा मुझे सोप करके रखी आउ ग्राइंडिंग कला बेले से बहुत सारा गुजराती पकईकि ग्राइंडिंग करमती बैटर हुए से ही कनसीस्टेन्सी र एठी देखंतु से बैटर को मु धीरे धीरे करी एथरे ऐड करछि तापर गोळेबे तो टिके बहळिया हे आसला परे आपण कोन करिवे ना बंद कर देबे तो एमिति मु गोटे गोटे चामच रे नै के ताको बॉईल करिवा पय मु लागी पडिछि बैटर को तापर मु सेठी दे दैछि नडिया नडिया आपण बॉईल कला बळे जेतळे चीनी पकले सेतळे आपण पकई परिवे नहले एमिति मु भूली जाइतिलि तण परे पकेली नडिया सेमती किसी ना आउ देसी घी आप निश्चय पकेबे देसी घी से बॉइल कला बेले मैंने क्षीरटा जो बॉइल हो सर से आपड़ पकेबे बॉइल होता समय सबकि वीडियो रेकर्डिंग हिसाब से मुझे भूली जाऊँ तो बार बार तो से मोर जो जोटा मन पड़ी करूँ बेकिंग पाउडर टी पकईदे दे पिठाटा आहरी बहुत सॉफ्ट हो जाए एमती नॉर्मली भी सॉफ्ट हम आपणकर टाण टाण रीर जेहेतु बनाई से आग पोड़ पिठा जो बनाते विदाउट क्षीर सेमती टाण हेनी सॉफ्ट हम कि बेकिंग पाउडर पकईदे आए भल से सॉफ्ट हो देखु मुझे गोल चलती आउ टे मेंडा मेंडा रही है सेटा कि प्रॉब्लम क्रिएट कैन किए कौ मेंडा मेंडा रहा दरकार ना से बिंडा हो जाए जिते आपड़ कले भी टिके टिके बिंडा रही जाए से किसी प्रॉब्लम ना ओवरऑल जो आप क्षीर पोड़ पिठा करेंगे बेक कर सारापर से गुड़ा कि भी जना पड़े मानने नर्माल हो बाहरी आस तो विदिन 5 to 10 मिनिट्स भितर एमती आपणकर प्रोसेस रेडी हो जीवो मु गोटे हैंड रे मोबाइल धरछि एपटे रेकर्डिंग भी करूछि तो देखंतु हे आसलानी मु जमा छाड़ी 5 to 10 मिनिट्स भितर एमती हो जीवो देखंतु टिके टिके बिंडा रहिछि सो सेटा एते प्रॉब्लम नहीं एते भाबिबारु भी नाही तापर मु सबुबळे चूज करे अल्युमिनियम पैन कहीं से लगार चान्स न थाए तो अल्युमिनियम पैनटा मु एठी हॉट करछि ता उपरे देसी घी भी पकेछि टिके गरम हो आसला परे मु ए बैटर को सेथरे ढाली देवी मु बहुत वीडियोटा सॉर्ट रखिया पाई ट्राई करछि जदि आपण पूरा प्रोसेस देखिया पाई चाहती चीनी केमिति ढाली कौन ढाली आर वर्ष भी मु पोड़ पिठा बनई थी आ भल व्यू जाइतला आपण सेठि भी जाई चेक कर परिबे देखंतु गोटे साइड मोर हेई आसिलानी मु एमती बैटरटा को पकई देछि देखि तापर आपण ढांकी देबे गैस सबुबळे सिम रे रखिबे माने 15 to 20 मिनिट्स एमती सिम रे रही सारा पर गैसटा को बंद कर देबे पोड़ पिठा जो बड़े पोड़ा दरकार से दी साइड माने पोड़ा आमर दरकार एबे गोटे साइड आमर पोड़ा चली चूल्हे ही थे पोड़ा ही था ये जस्ट टिके खाली कलर छेना पोड़ भाया तो देखते मुझे ढांकी दौची जस्ट 15-20 मिनिट पर मुझे बंद करदेवी एबे देखो मोर 15 to 20 मिनिट से ही गला मुझे कौन कर गैस अफ टिके कि समय छाड़ी छाड़ीमती गोटे आप फ्लाट थाली ने रखिदेवे रखिदे कि ओल्टे देवे तो ये प्रोसेस कला बेले भी केयरफुल थालीटा हाथ रू खसी जापे जहाँ भी करे तो पूरा सेफ प्रोसेस रे आपन करिवे देखंतु गोटे साइड मोर के सुंदर भाव में बैग हो जाए आम आरपट सैड करवा आरपट सैड भी सेम प्रोसेस रे अगेन यू हाव टू माने गो गैस देन पुट द पेन तापरे सेमती पूरा जो घी पकईकि आपण फेर एमती गोटे फ्लाट चटू नहीं कि जोटा को फ्लाट स्पून
ଆମେ ଛଣା ଛଣିରେ ୟୁଜ୍ କରୁ। ମୁଁ ସେମିତି ସ୍ପୁନ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଟିକେ ହେଭି ଥିବା ଦରକାର କାରଣ ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ମୋର ବହୁତ ହି ହେଭି ଅଛି। ବହୁତ ଚାଉଳ ନେଇଯାଇଥିଲି, ମାନେ ଗୋଟେ କିଲୋ ଉପରେ ଚାଉଳ ନେଇଯାଇଥିଲି। ତ ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ସିଫ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆରାମସେ ପଶିଯିବ, କିଛି ଖସିବନି କି କିଛି ହେବନି ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି କହିକି କାଳେ ଖସି ପଡ଼ିବ କି ତା'ର ବ୍ୟାଟର ଗୁଡ଼ା, ନା ସେମିତି କିଛି ବି ହେବନି। ଫେର୍ ଏଗେନ୍ 15-20 minutes ରଖିବେ, ତାପରେ କୁଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ। ଏପଟେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବି ଏପଟେ ବସେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଠା ବନାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛି, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଯାକ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରେଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପିଠାଟା ସଫ୍ଟ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ବି ମାନେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟାଣ ହେବ, ସେମିତି ହେବନି ଯେ ୱିଦାଉଟ୍, କାହିଁ ମିଲ୍କରେ ଯେମିତି ପୁରା ଟାଣ ହୁଏ ସେମିତି ହେବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୋଡ଼ ପିଠାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ତ ଏମିତି କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବେ। ଆଉ ଟିପ୍ସ ହେଲା, ଆପଣ ଆଲୁମିନିୟମ ପେନ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମାଇକ୍ରୋ ଓଭନ୍ଠୁ କରେଇରେ ବନାଇବା ଭଲ, ମାନେ ମାଇକ୍ରୋ ଓଭନ୍ରେ ବେକ୍ ତ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ଏତେ ଭଲ ହେବନି ମୁଁ ଯେତିକି ଆର ବର୍ଷ କରିକି ଦେଖିଥିଲି। ଆପଣ ଏମିତି ବି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ନହେଲେ ଆଲୁମିନିୟମ ପେନ୍ ହିଁ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ରହିଲା ପୋଡ଼ ପିଠାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କରିବେ। ରହୁଛି, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ରଜ।